हालेलुया, आइए तालियों का भेंट हम चढ़ाएं प्रभु यीशु को। आसमानों के आसमान में गाइए मदर सराई ओ रब की
सिताएं की होए सना
हालेलुया जोरदार तालियां यीशु के लिए बजाएं। राजा यीशु आए हैं सब मिलके गाएंगे ताली बजाएंगे ताली बजाकर राजा यीशु आए हैं सब मिलकर गाएंगे ताली बजाएंगे खुशियां मनाओ खुशियां खुशियां मनाओ खुशियां मनाओ खुशियां मनाओ
ये समय चिंता का नहीं है, ये समय स्तुति का है, ये समय अंधकार का नहीं है, ये समय रोशनी का है, ये समय मृत्यु का नहीं है, ये समय जीवन का है, ये समय रोने का नहीं है, खुशी मनाने का है, हंसने का है, क्योंकि यीशु हमारे बीच में है। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु, सेनाओं के यहोवा, पवित्र परमेश्वर, तू हमारे बीच में है, तेरा धन्यवाद देते हैं यीशु। हम जानते हैं यीशु, तू हमसे प्रेम करता है, यीशु उतना प्रेम करता है कि हम सोच भी नहीं सकते। यीशु मसीह हमारी समझ से परे है वो प्रेम। क्या कोई किसी से इतना प्रेम कर सकता है कि उसके लिए अपने रक्त को बहा दे, अपनी देह को तोड़ दे, वो लज्जा ले, वो पीड़ा ले, वो हर प्रकार का दुख ले। एक व्यक्ति ऐसा है, उसका नाम यीशु है, उसका नाम यीशु है, उसका धन्यवाद दें आज की सुबह, उसकी आराधना करें। हमारे पास क्या है उसे देने के लिए? आराधना ही है, आराधना ही है, स्तुति है, प्रशंसा है। कुछ भी नहीं, मेरा दिल है कुछ नहीं, आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं। कुछ भी नहीं, मेरा दिल है कुछ नहीं, आया हूँ देकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं।
संहिता 87 का साथ गवाइये और नृतक दोनों कहेंगे, हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। ये हिंदी में बहुत साफ है, फाउंटेन मीन्स स्प्रिंग, द ओरिजिन ऑफ पानी और तमाचीस। और सोते का मतलब यही है कि जो जहाँ से पानी का स्रोत होता है। सो अनदर ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल सेज ऑल माय स्प्रिंग्स आर इन यू ओ लॉर्ड। स्प्रिंग मीन्स द सेम थिंग। और हमारे सब सोते तुझी से पाए जाते हैं। ऑल माय फाउंटेन, सब सोते हैं। All my fountains are in you, O Lord. सब तुझी में पाए जाते हैं। So I like to talk about the fountain of life. आज के दिन मैं जीवन के सोते के विषय में बताना चाहता हूँ। There are so many, many blessings. बहुत से आशीषें हैं। The greatest of all the blessings, right on top of all the blessings, is what? It's your life. और जितने भी आशीषें हमारे पास है उसमें से सबसे बड़ा या सबसे उत्तम जो है वो जीवन का आशीष है। For your life, you will give anything to save your life. आप अपने जीवन को बचाने के लिए आप कुछ भी कीमत दे सकते हैं। If you lose something, a costly pen or a costly watch, or even your gaadi can be robbed and stolen and you feel bad, but then after some time crying and all that, you stop, you know, it's okay, gone is gone.
और आप कुछ भी कीमती सामान को आप खो सकते हैं, या तो वो कीमती पेन हो या घड़ी हो या आपका गाड़ी जो है चोरी हो सकता है। तो कुछ समय तक हम उसका शोक मनाते हैं, दुख मनाते हैं, लेकिन फिर समय के कुछ समय के बाद हम ठीक हो जाते हैं। But it is not so with your life. लेकिन ऐसा हमारे जीवन के साथ नहीं है। For your life, you will spend everything possible for you to spend. और हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, बचा के रखने के लिए हम कोई भी कीमत को चुकाएंगे। In order to save your son or daughter, हमारे पुत्र या पुत्री को बचाने के लिए, और सेव योर वाइफ और हस्बैंड, या अपने पत्नी या पति को बचाने के लिए, इफ यू डोंट हैव एनीथिंग, व्हेन यू फिनिश ऑल योर मनी, ऑल योर कैश, ऑल योर बैंक बैलेंस, देन यू विल बिगिन टू सेल व्हाटएवर यू हैव जस्ट टू सेव द लाइफ ऑफ योर पार्टनर और योर चिल्ड्रन। और आपके पास जितने भी पैसे हैं, चाहे तो हाथ में हो या बैंक में हो या जितने भी पैसे हैं, आप पहले उसको ख़त्म कर देते हैं और फिर अगर कुछ नहीं बचा, आप सामानों को, अपने सामानों को बेचकर आप उस पैसों से आप कुछ भी कीमत देंगे। आई एम सो ग्लैड टू सी आवर मिसेस तमांग टुडे आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और बहुत लंबे समय के बाद आंटी तमंग को देख के बहुत खुशी हो रही है। शी वॉज अंडर ट्रीटमेंट और उनकी इलाज चल रही थी। There were times when there was no hope. और ऐसे बहुत से पल आए जब हमने सोचा कि अब कोई आशा नहीं है। Now today for a long, after a long time I see brother Tamang sitting there and smiling. और आज बहुत लंबे दिनों के बाद अंकल तमंग बैठ के मुस्कुरा के बैठे हुए हैं। And she looks so much better. और आंटी बहुत बेहतर लग रही हैं। I don't know how much money they spend. और मुझे नहीं मालूम कि कितना पैसा उन्होंने खर्च किया। They were spending and spending and spending. लेकिन लगातार खर्च करते गए, खर्च करते गए। And we have been missing her from the church for a long, long time. और बहुत दिनों तक हम कलीसिया में भी उनकी कमी महसूस किया। And we all were praying. और हम सब लोग प्रार्थना करते आए हैं। But today we are so happy that she is in the house of. और आज हम बहुत खुश हैं कि आंटी हमारे बीच में है। I do not know whether they sold anything they have. मुझे नहीं मालूम कि अगर उन्होंने कुछ बेचकर उन पैसों से इलाज करवाया है। All of you know that when your loved one is in danger, you will sell, if necessary, whatever you have to save. लेकिन आप सब जानते हैं कि अगर आपके प्रियजन किसी खतरे में है, तो अगर जरूरत पड़ने पर आप सब कुछ बेचकर भी उस व्यक्ति को बचाएंगे। But that is to save and protect your body. लेकिन वो हम करते हैं अपने इस शरीर को बचाने के लिए। But this body is not the real you. लेकिन ये शरीर जो है, ये वास्तव में मैं या आप नहीं है। The what I see outwardly you is not you. Your wife, you don't see her real self. You only see the house in which she lives. और जब मैं आपको देखता हूँ या आप किसी को देखते हैं बाहरी रूप से, तो आप उस वास्तविक व्यक्ति को नहीं देखते हैं, लेकिन जिस शरीर में वो वास करते हैं, आप सिर्फ उस तंबू को देखते हैं। इफ दिस बॉडी इज ओनली एन आउटवर्ड टेंट इन विच द रियल वी लिव, और अगर ये शरीर जो है ये सिर्फ एक तंबू है जिसमें हमारा वास्तविक स्वयं जो है वो वास करता है, एंड वी आर विलिंग टू स्पेंड एनीथिंग In order to save this body, और हम कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं इस तंबू को बचा के रखने के and लिए। Yet we know that body is not the real you. और फिर भी हम जानते हैं कि ये शरीर, ये तंबू जो है, ये वास्तविक मैं नहीं हूँ। The real you lives within you. जो मैं हूँ वो मेरे अंदर वास करता है। This body can be destroyed. इस शरीर को नाश किया जा सकता है। It will go it will decay. और ये नाश हो जाएगा। It will grow old. ये बुजुर्ग हो जाएगा। Wrinkles begin to appear. और झुर्रियां आएंगे। And you begin to age. और हम बुजुर्ग होते जाएंगे। And then you become sick. और फिर हम बीमार पड़ेंगे। And one day this body is gone. और एक दिन ये शरीर जो है ये मर जाएगा। And the body returns to
earth. और ये शरीर जो है वापस मिट्टी में चला जाएगा. But the real person who lives. लेकिन जो वास्तविक आप है, जो आप रहते हैं. Which we call the soul. जिसको हम प्राण कहते हैं. That soul will never die. वो प्राण जो है कभी नहीं मरेगा. The real you, the life which will not be dead. और जो वास्तविक आप है, जो जीवन है, जो कभी मरेगा नहीं. The life goes back to the creator who created it. वो जीवन जो है वापस उस सृष्टिकर्ता के पास लौट जाता है जिन्होंने उसको बनाया है. Now the question is, अब सवाल ये उठता है, what is important? कि महत्वपूर्ण क्या है? Is your body or the soul that lives within you? क्या आपका शरीर महत्वपूर्ण है या वो प्राण जो इस शरीर के अंदर रहता है? It is definitely the soul that lives within you is most important in our life. और ये वास्तव है कि जो प्राण हमारे इस शरीर के अंदर रहता है वो ज्यादा महत्व रखता है. That is real life. और यही असली जीवन है. That is why Jesus said. और इसी कारण से यीशु ने कहा, if a person gains the whole world, अगर कोई मनुष्य पूरे संसार को जीत ले, and loses his own soul, और अपने खुद के प्राण को गवा दे, what profit is there? तो फिर उसका क्या लाभ है? And yet only for this body we live and we care and we do everything, we spend anything in order to protect this body. लेकिन तो भी हम सिर्फ इस शरीर के लिए, इस तंबू के लिए हम इतना चिंता करते हैं, इतना हम सुरक्षित रखते हैं, इतना समय बिताते हैं. My friends, I want to tell you this morning. मेरे मित्रों, आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ. This body may be destroyed. हो सकता है ये देह जो है ये नाश हो जाए. But the soul within you. लेकिन आपके अंदर जो प्राण है. Is craving for moksha. और ये उस चाहत रखती है कि उनको मोक्ष मिल जाए. What we call death is only the destruction of this body. और जो जिसे हम मृत्यु कहते हैं वो सिर्फ इस शरीर का खत्म हो जाना है. Once that death happens, और एक बार वो मृत्यु हो जाता है, your soul leaves your body. आपका प्राण जो है इस देह को छोड़ देता है. The question is, अब सवाल ये उठता है, you enter into eternity. आप अनंत काल के समय में प्रवेश करते हैं. Which eternity you will enter? आप कौन से अनंत काल के में प्रवेश करेंगे? Where the big question is, where will you spend your eternity? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप अपने अनंत काल के जीवन को कहां बिताएंगे? That is why the Bible says. इसी कारण से बाइबल कहती है. In the words of Jesus himself. यीशु मसीह के शब्दों में. If you gain the whole world. अगर तुम पूरे संसार को हासिल कर लो. And loses your soul in hell. और अपने खुद के प्राण को नरक में खो दो. What profits is there? तो फिर क्या लाभ है? There are only two eternal places. सिर्फ दो अनंत काल के स्थान हैं. One we call hell, एक को हम नरक कहते हैं. Then there is heaven, और दूसरा स्वर्ग है. Hell and heaven is real and they are eternity. नरक और स्वर्ग जो है ये वास्तविक स्थान है और ये अनंत काल के स्थान है. So Jesus Christ came forward. So यीशु मसीह संसार में क्यों आए? To provide salvation for your soul. ताकि आपके प्राण के लिए मोक्ष का उपाय करे. Hallelujah. Hallelujah. It is not his will for anyone to perish in hell. ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई भी मनुष्य नरक में नाश हो जाए. That is eternal death. ये अनंत काल का मृत्यु है. That does not mean you cease to exist. इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है. You have an existence in hell. आपका जो अस्तित्व है वो नरक में पाया जाता है. That is why Jesus also said. और इसी कारण से यीशु ने ये भी कहा, Do not be afraid of the one who is able to destroy only your body. और उस व्यक्ति से मत डरो जो सिर्फ आपके इस शरीर को, देह को नाश कर सकता है. Who is that person? वो कौन है? The devil. शैतान. Don't be afraid of him. शैतान से कभी ना डरे. Let him destroy your body. वो आपके शरीर को नाश करने दो. This body is mitti and it has to go. ये देह जो है ये मिट्टी है और इसको जाना ही है. But in order to care for this body, you spend all your life. लेकिन इस मिट्टी की परवाह में हम अपने पूरे जिंदगी को बिता देते हैं. Without caring for your soul's salvation. और अपने प्राण के मोक्ष के लिए हम उसका चिंता नहीं करते हैं. Now how is it possible? तो ये कैसे संभव है? That's why Jesus came. और इसलिए यीशु मसीह आए. Man's greatest need is salvation from sin. मनुष्य का सबसे बड़ी जरूरत जो है वो
पाप से छुटकारा है. That's why Jesus came as our savior. और इसलिए यीशु मसीह उद्धार करता बन के आए. He became a sacrifice. वो एक बलिदान बन गए. Hallelujah. Hallelujah. Through his sacrifice. यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा. Through his blood. यीशु मसीह के लहू के द्वारा. We have redemption, we have salvation, we have forgiveness, we have cleansing. हमारा छुटकारा है, हमारा मोक्ष है, हमारा क्षमा है और शुद्धिकरण है. Jesus is our savior. यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता है. We invite him into our heart. हम यीशु को निमंत्रण देते हैं अपने हृदय में. When he comes inside of us by his spirit. और जब यीशु मसीह अपने आत्मा के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करते हैं. He cleanses us from the power of sin. वो हमें पाप के सामर्थ से शुद्ध करता है. And he makes us clean. और हमें शुद्ध करता है. If anyone is in Christ, he is a new creation. कोई भी जो मसीह में पाया जाता है, वो एक नई सृष्टि है. That is our spiritual life. यही हमारा आत्मिक जीवन है. Hallelujah. Hallelujah. And so this morning my message is. तो आज की सुबह मेरा संदेश यही है. Something about the spring of spiritual life. कि ये जो आत्मिक जीवन है इसका सोते के विषय में. What about the spring of this fountain of spiritual life? So ये आत्मिक जीवन के सोते के विषय में क्या है? Where does it begin? ये इसका शुरुआत कहां से है? So very quickly, Ephesians chapter 2 verse 1. और बहुत जल्दी खोलेंगे इफिसियो उसका दूसरा अध्याय पहला पद. I will conclude this very briefly. I will mention some things about this spiritual life. और बहुत जल्दी हम समाप्त करेंगे इसको. Ephesians chapter 2 verse 1. इफिसियोस का दूसरा अध्याय पहला पद. बिफोर वी हैव जीसस. और यीशु मसीह से पहले. वी ओनली हैव अ फिजिकल लाइफ. हमारे पास सिर्फ एक शारीरिक एक जीवन होता है. दैट फिजिकल लाइफ इज नॉट द रियल लाइफ. और ये शारीरिक जीवन जो है ये वास्तविक जीवन नहीं है. दैट इज अर्थली लाइफ ओनली फॉर अ शॉर्ट. ये सांसारिक जीवन जो है सिर्फ कुछ दिन के लिए है. एंड दैट इज व्हेन वी लिव विदाउट जीसस. और ये जीवन जो है ये तब होता है जब हम यीशु के बगैर जीते हैं. विदाउट जीसस. यीशु मसीह के बगैर. वी आर स्पिरिचुअली डेड. हम आत्मिक रीति से मरे हुए हैं. वी आर नॉट एट ऑल सेंसिटिव टू द डेविल. हम शैतान के प्रति हम कोमल नहीं रहते. वी आर नॉट सेंसिटिव टू सिन. पाप के प्रति हम कोमल नहीं रहते हैं. व्हाट इज गुड थिंग, व्हाट इज बैड थिंग, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. और जो बुरा है जो अच्छा है. And we don't teach our children to tell lies. हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं झूठ बोलना. But we ourselves will tell lies and we don't feel anything about it. लेकिन हम स्वयं झूठ बोलते हैं और उसके विषय में कुछ महसूस भी नहीं करते हैं. And we don't teach our children to steal. हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं चोरी करना. And yet we steal and we don't feel anything. लेकिन फिर भी हम चोरी करते हैं और कुछ महसूस नहीं करते हैं. We quarrel, we deceive, we cheat and all kind of. हम झगड़ा करते हैं, हम धोखा देते हैं, सब कुछ करते हैं. These are only expressions of sin. और ये सब सिर्फ पाप के जो है वो प्रकटीकरण. But we are not sensitive. लेकिन हम इसके प्रति हम होशियार नहीं रहते. We don't feel guilty. हम दोषी महसूस नहीं करते. We don't feel bad. हम बुरा नहीं महसूस करते हैं. And we live like that. और हम ऐसे ही जी रहे हैं. What is that? ये सब क्या that है? That is only a physical life. ये सिर्फ एक शारीरिक सांसारिक जीवन हम जी that रहे हैं. That is not spiritual life. लेकिन ये आत्मिक जीवन नहीं है. And spiritually, then we are dead. तो फिर आत्मिक रीति से हम मरे हुए हैं. Now for that spiritual life become alive within us. वो आत्मिक जीवन को जीने के लिए हमारे अंदर. That is when salvation comes into us, even Jesus Christ. और ये तब होता है जब यीशु मसीह हमारे अंदर आते हैं और मोक्ष आ जाता है. So let us listen to this. So, आइए इस पद को पढ़े. उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे. दिस इज एन एक्सिस्टेंस. ये एक अस्तित्व है. First it says you are spiritually dead. पहले ये लिखा है कि हम अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे. And then it says तब लिखा है in this deadness you are alive. कि इस मरेपन में हम जीवित कराए गए हैं. चलते फिरते हैं, बातचीत करते हैं, ये सब है, लेकिन
No spiritual sensitivity. No. इस मरे हुए स्थिति में हम सब कुछ करते हैं, चलते फिरते हैं, बातें करते हैं, लेकिन आत्मिक चीजों के लिए हम कभी भी होशियार नहीं रहते. So it is this spiritual life that is dead in you must become alive. So ये आत्मिक जीवन जो हमारे अंदर है, इसको जीवित होना है. It is only when the spiritual life becomes alive, you suddenly become changed. You become sensitive to sin and its power over you. और जब ये आत्मिक जीवन हमारे अंदर जी उठेगा, तभी हम आत्मिक चीजों के लिए हम होशियार हो जाएंगे, हम सब जानने पाएंगे. And there is a life which is not spiritual. और एक ऐसा जीवन भी है जो आत्मिक नहीं है. 1 Corinthians chapter 3 verse 1. पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय पहला पद. And I pray the Holy Spirit will make you very sensitive to God's word. और मेरी प्रार्थना यही है कि पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के वचन के प्रति आपको कोमल बनाएंगे. हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं. सो देयर इज अ लाइफ व्हिच इज नॉट स्पिरिचुअल. सो एक ऐसा जीवन है जो आत्मिक नहीं है. दैट लाइफ इज कॉल्ड शारीरिक जीवन. उस जीवन को हम शारीरिक जीवन कहते हैं. इसका मतलब क्या है? व्हाट एवर योर बॉडी क्रेव फॉर, यू गो फॉर इट. और इसका अर्थ यही है कि जिस बात के लिए हमारा ये देह या शरीर चाहत रखता है, उसी के पीछे हम जाते हैं. यू अंडरस्टैंड? That is the only thing you care. और इसी के बारे में हम चिंता करते हैं. This body crave for food. ये देह जो है, ये भोजन के लिए चाहत रखता है. So you go for any kind of food. So हम जाते हैं भोजन करने के लिए. And you eat 5 or 6 times a day. और दिन में 5-6 बार हम खा लेते हैं. And then invite all kinds of sickness in your body. और फिर हर प्रकार के बीमारी शरीर में आ जाता है. And then you complain about that problem, this problem, and you live like that, and then you die. तब फिर हम शिकायत करते हैं, अरे मुझे ये समस्या है, ये बीमारी है, वो बीमारी है, और फिर हम मर जाते हैं. Is it all the purpose of God for your life? क्या सिर्फ इतना ही है परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन के लिए? There is another life. एक दूसरा एक जीवन है. That is called spiritual life. उसको हम आत्मिक जीवन कहते हैं. That comes alive in you. और वो जीवन जो है आपके अंदर जी उठता है. When the eternal God himself comes inside of you by his Holy Spirit. जब वो अनंत काल का परमेश्वर आपके अंदर प्रवेश करता है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा. You confess your sin. आप अपने पापों को अंगीकार करें. And you invite Jesus to come into you. और यीशु मसीह को निमंत्रण दे आपके अंदर आने के लिए. He comes by his Spirit. और यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आते हैं. And suddenly life is changed. और अचानक आपका जीवन बदल जाता है. You have peace. आपके अंदर शांति आ जाती है. और आनंद. It's all because the Prince of Peace, who is Jesus, is alive in you. ये सब इसलिए क्योंकि शांति का राजकुमार जो यीशु मसीह है, वो आपके अंदर है. Do you see Jesus coming inside of you in a physical form? क्या आप देखते हैं कि यीशु मसीह शारीरिक रूप से आपके अंदर आ रहे हैं? No, नहीं. That is not the meaning. इसका अर्थ ये नहीं है. The meaning is you surrender your life to the Lordship of Jesus. इसका अर्थ यही है कि आप अपने जीवन को यीशु मसीह के प्रभुता के अधीन कर दें. And then you live according to His will. और फिर आप अपने जीवन को परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीते हैं. And what He wants you to do. और जो परमेश्वर चाहते हैं आप करें. Where He wants you to go. जहां परमेश्वर चाहते हैं आप जाएं. How He wants you to worship. और जैसे परमेश्वर चाहते हैं आप आराधना करें. And how you must keep your relationship with others. और कैसे आपको एक दूसरे के संग अपने रिश्ता को, संबंध को बना के रखना है. Love. प्रेम से. Forgiveness. क्षमा से. Acceptance. और ग्रहण करें. Helping one another. एक दूसरे की सहायता करें. Not deceiving or cheating anybody. और एक दूसरे को धोखा नहीं देना. Not telling lies. झूठ नहीं बोलना. And thus you prove you are right and someone else is wrong. और फिर आप अपने बात को ही सच्चा साबित करना चाहते हैं और दूसरे को गलत. No, no. नहीं. In order to
bring peace. और शांति को लाने के लिए you humble yourself. आप अपने आप को नम्र कर दें. Even though you are not wrong, चाहे आप गलत भी ना हो, still you don't mind asking forgiveness. लेकिन to फिर somebody. भी आप दूसरे से क्षमा मांगते हैं. Because you want peace. क्योंकि आप शांति चाहते हैं. Why don't we live peacefully? क्यों ना हम शांति पूर्वक जीवन को जिए? Our nation today is troubled by hatred. हमारा राष्ट्र आज जो है घृणा से परेशान है. It is now hatred. ये घृणा है. You hate. घृणा करते हैं एक दूसरे से. So you kill. So इसलिए घात भी होता है. And you murder and you rape. हत्या होता है, बलात्कार होता है. Now the raping also is taken a new turn. अब बलात्कार भी एक नया दिशा ले चुका है. It is not just to satisfy your sexual urge. ये सिर्फ किसी मनुष्य के शारीरिक अभिलाषा को पूरा करना नहीं है. But while you are raping, लेकिन बलात्कार करते समय you inflict as much physical torture as possible so cruelly. और उस व्यक्ति को जितना चोट पहुंचा सकते हैं उतना चोट पहुंचाते हैं. What is it all? ये सब क्या है? Hating. घृणा करना. Is it the way God wants us to live? क्या ऐसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन को जिए? Our nation today is afflicted by such hatred. हमारा राष्ट्र जो है आज इसी घृणा से ग्रसित है. Our nation lived in peace for the last 5,000 years without any problem. और बीते 5,000 वर्ष बिना किसी समस्या से चल रहा था. But it is no longer. लेकिन अब ऐसा नहीं है. We are divided. हम बटे हुए हैं. Hating one another. एक दूसरे से घृणा करते हैं. Religions have taught us how to hate and kill. और जितने भी धर्म हैं सब सिखाए हैं कि कैसे घृणा करना है और बंटवारा करना है. That is not. And yet, our nation is deeply religious. और लेकिन फिर भी हम ये भी देखते हैं कि हमारा देश जो है कितना धार्मिक है. And it is all happening in the name of religion. और ये जितना भी कुछ होता है सब धर्म के नाम में होता We है. have all the religions. सारे धर्म पाए जाते हैं. We are so religious. और इतना धार्मिक है ये भारत देश. Even the murderer and the immoral person will stand before a temple and bow before he goes. और जो हत्यारा जो है जो बलात्कार करने वाला है वो भी मंदिर के सामने खड़े होके सर को झुकाता है. What a life it is. क्या ये जीवन है. My friends, listen to this. मेरे मित्रों मेरे बात को सुने. Every one of you. आप में से हर एक व्यक्ति. There is a God who loves you. एक परमेश्वर है जो आपसे प्रेम करता है. He taught us to forgive. परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि हमें क्षमा करना है. He taught us to pray for those who persecute us. यीशु ने हमें सिखाया है कि जो हमें सताते हैं हमें उनके लिए प्रार्थना करना है. He taught us to forgive and love even our enemies. और यीशु ने हमें सिखाया कि अपने शत्रुओं से भी हम प्रेम रखें. Because we have no enemy. क्योंकि हमारा कोई शत्रु नहीं है. Every citizen in India belongs to God. भारत देश का हर एक नागरिक जो है वो परमेश्वर प्रभु का है. This is what our Lord Jesus taught us. यही हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया. While he was hanging on the cross. जबकि यीशु मसीह उस क्रूस पर लटके हुए थे. Dying for your sin. आपके पापों के खातिर अपने दम को तोड़ रहे थे. Dying for my sin. और मेरे पापों के खातिर अपने दम को तोड़ रहे थे. Dying for humanity's sin. और मानव जाति के लिए मर रहे थे. What was the first thing he spoke from the cross? सबसे पहली बात यीशु मसीह ने उस क्रूस पर से क्या कहा? Looking at the soldiers who are hammering nails on his hands and feet. और जो सिपाही जो है कीलों को ठोक रहे थे उनके हाथ और पैरों पर. And looking at the crowd who was crying for his blood. और जो बड़ा भीड़ जो है जो चिल्ला रहे थे क्रूस पर चढ़ाओ क्रूस पर चढ़ाओ. Crucify him. Crucify क्रूस पर चढ़ाओ. Let his blood come upon us. और यीशु का लहू हमारे ऊपर आ जाए. What was it? ये सब क्या था? Hate. घृणा. That's what the devil wants. और यही बात शैतान चाहता है. But what did Jesus pray? लेकिन यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना किया? Hanging on the cross. उस क्रूस पर लटकते हुए. He prayed this prayer. यीशु ने इस प्रार्थना को किया. Father. पिता. Forgive them. इन्हें क्षमा कर दे. For they do not know what they are doing. क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या करते हैं. Forgive them. इन्हें क्षमा कर दे. That's what Jesus taught us. और यही बात यीशु मसीह ने हमें सिखाया. That's what we do.
और यही काम हम करते हैं। We don't carry even a small knife, kitchen knife in our hand. हम अपने हाथों में एक छोटा चाकू भी नहीं लेके घूमते हैं। We don't retaliate when people come and burn the churches and hit and start the beating the pastor and beating the followers of Christ. और जब लोग आते हैं हमारे गिरजे को जला देते हैं, पासवानों को मारते हैं, विश्वासियों को मारते हैं, हम वापस नहीं मारते हैं। We look at them. हम उन पर देखते हैं। And we pray. और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। That's what we do. हम यही काम कर सकते हैं। But why this hate? लेकिन ये सब घृणा क्यों? It's because we have no spiritual life. ये इसलिए क्योंकि हमारा आत्मिक जीवन ही नहीं है। I'm not talking about a religious life. हम कोई धार्मिक जीवन के विषय में नहीं बात कर रहे हैं। One can live a religious life and yet to do all kinds of sin. एक व्यक्ति जो है एक धार्मिक जीवन व्यतीत कर सकता है, फिर भी सारे गलत काम भी कर सकता है। I cannot create this spiritual life. मैं ये आत्मिक जीवन अपने अंदर खुद से नहीं बना सकता हूँ। Spiritual life is a gift from God. आत्मिक जीवन जो है परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। And that gift is in the person of Jesus Christ. और ये वरदान जो है वो यीशु मसीह में पाया जाता है। And when you invite him into your और जब आप यीशु मसीह को अपने अंदर निमंत्रण देते हैं, by his spirit he comes. अपने आत्मा के द्वारा यीशु मसीह आते हैं। And he changes you inside. और आपको अंदर से बदल देते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Those of you experience that change, lift up your hands and shout Hallelujah. और आप में से जितनों ने इस बदलाव को अनुभव किया, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें। Hallelujah. Hallelujah. We don't retaliate. हम वापस कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाते हैं। We don't carry any bomb. हम किसी बम को लेकर नहीं चलते हैं। We don't carry any hatred. हम किसी घृणा को लेकर नहीं चलते हैं। We feel sorry. हमें बहुत दुख होता है। Because we know what will happen if they die in their sin. क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये लोग अपने पापों पे मर गए तो फिर क्या होगा? They will go to hell. वे लोग नरक चले जाएंगे। That is not what God wants. और ये परमेश्वर नहीं चाहते हैं। So when Jesus comes, so जब यीशु मसीह आते हैं, that is eternal life. यही अनंत काल का जीवन है। That is salvation. यही मोक्ष है। We don't convert anybody. हम किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। We don't preach religion. हम किसी धर्म का प्रचार नहीं करते हैं। My friends, it is not religion. क्योंकि ये धर्म नहीं है। It is a personal relationship with a personal God who comes into our lives and changes us. ये एक व्यक्तिगत एक रिश्ता है, एक व्यक्तिगत परमेश्वर से जो हमारे जीवन में आते हैं और हमारे जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। Changing from one religion to another religion will never help us. एक धर्म से दूसरे धर्म में बदलने से कुछ नहीं होता है। Because wickedness is in our heart. क्योंकि दुष्टता जो है वो हमारे हृदय में पाया जाता है। Heart must be cleansed. ये हृदय को शुद्ध होना है। Heart must be changed. ये हृदय को बदलना है। Who can change our heart? कौन इस हृदय को बदल सकता है? There is no injection. कोई इसमें सुई नहीं है। There is no water. और कोई पानी नहीं है। That can cleanse my heart. जो हमारे हृदय को शुद्ध कर सकता है। Only the blood of Jesus Christ. सिर्फ यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध कर सकता है। He shed his sinless blood on the cross as a sacrifice that through that sacrifice you may be cleansed and be changed. यीशु मसीह ने अपने पाप रहित लहू को उस क्रूस से बहाया ताकि आप क्षमा पाए, आपका हृदय शुद्ध हो जाए और आप अनंत जीवन को पा सके। What is this spiritual life? ये आत्मिक जीवन क्या है? In spiritual life means Christ is the center of our life. ये आत्मिक जीवन का अर्थ यही है कि यीशु मसीह हमारा जीवन का केंद्र our बन जाता life है। Is centered around Christ. हमारा जीवन जो है वो यीशु मसीह के चारों ओर होता है। Our habits are centered around Christ. हमारे आदतें जो है वो यीशु मसीह के अनुसार हो जाते हैं। Our worship is centered around Christ. हमारी आराधना जो है वो यीशु मसीह के लिए होता है। Our songs are centered around Christ. हमारे गीत जो है वो यीशु मसीह के लिए होते हैं। Our relationship is centered around Christ. हमारा रिश्ता जो है वो यीशु मसीह के साथ है। He is holy. वो पवित्र है। Hallelujah. Hallelujah. And in order to live such a life, और ऐसे पवित्र जीवन को जीने के लिए We don't have strength in ourselves. हमारे अंदर खुद का ताकत नहीं है। So God has provided another provision. So यीशु मसीह ने एक दूसरे उपाय को किया है। He has provided another savior. यीशु मसीह ने एक उद्धारकर्ता का उपाय किया। Jesus Christ. यीशु मसीह। And when we want to live his life, और जब हमें यीशु मसीह के जीवन को जीना है, he has given another person. यीशु एक और व्यक्ति को उपाय किया है। The Holy Spirit. पवित्र आत्मा। The Holy Spirit gives us power. पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। And then we need guidance. और फिर हमें अगुवाई की आवश्यकता है। For guidance he has given us the word. अगुवाई के लिए परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन को दिया है। Hallelujah. Hallelujah. This is the holy book that guides our practices and our relationship. ये पवित्र पुस्तक है जो हम
हमारे आत्मिक जीवन की अगुवाई करता है। Bible teaches us, ये वचन हमें सिखाता है, love those who hate you, जो तुमसे घृणा करते हैं उनसे प्रेम करो, pray for those who persecute you, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, if your enemy is hungry, अगर तुम्हारा शत्रु भूखा है, give him something to eat, उसे कुछ खाने के लिए दे दो, if somebody asks you for your shirt, अगर कोई आपसे आपके बुशर्ट को मांगता है, you not only give the shirt, you give your pants also, आप सिर्फ अपने शर्ट को ना दे लेकिन अपने पैंट को भी दे दे। That is what this book teaches us. और यही बात ये पुस्तक हमें सिखाती है। What India needs more than anything else is a guidance. हमारे भारत देश को सबसे ज्यादा जरूरत जो है इस अगुवाई का है। Righteousness, धार्मिकता, justice, न्याय। We will not withhold from anybody. हम किसी से ये सब रोकेंगे नहीं। And I want you to know, my friends, there is a better way of living. और मैं चाहता हूँ आप जाने मेरे मित्रों कि एक बेहतर तरीका है जीने के लिए। Because we don't know how to manage our own life. क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हम अपने स्वयं के जीवन को कैसे चलाएं। There are four things required for a life. चार बातें हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है। And for this spiritual life. और इस आत्मिक जीवन के लिए भी। I am not going to explain, but I will tell you and give you the reference. मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ जो पद है वो बताऊंगा। Number one. सबसे पहली बात। Life requires power. और जीवन के लिए सामर्थ की जरूरत है। I want somebody who is quick in taking these references. I want some of our brothers to be alert. And as soon as I give the reference, take it and read it. And Acts chapter 1 verse 8. प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8 पद. What did I say? मैंने क्या कहा? Life requires power. जीवन को सामर्थ की आवश्यकता है. Amen. Amen. Now many people misunderstand about the power. और बहुत लोग जो है इस सामर्थ को लेकर बहुत गलत फहमियों को रखते हैं। What is this power? ये सामर्थ क्या है? In Malayalam there is a saying, kaiyu kullavan kariyakaran. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you think that power means physical strength. और इसका अर्थ यही है कि आप सोचते हैं कि सामर्थ या ताकत का मतलब ये शारीरिक ताकत जो हम लगाते हैं। So by using your physical power to subdue someone who is weaker than you are. So शरीर के ताकत को इस्तेमाल करके जो हमसे कमजोर है हम उसको दबा के रखते हैं। It is not physical power. ये वो शारीरिक ताकत नहीं है। It is that inner strength and power. ये वो अंदरूनी सामर्थ और ताकत है। That can overcome the devil himself. जो शैतान को भी के ऊपर भी विजय पा सकता है। That can be victorious over all sin and temptation. जो सारे पाप और परीक्षाओं के ऊपर विजय पाता है। Your bad habits. आपके बुरे आदतें। You use your physical power to impress somebody else. और किसी और को अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए हम अपने शारीरिक ताकत को इस्तेमाल करते हैं। And you can beat to death someone who is weaker than you are. और जो आपसे कमजोर है आप उसको मार मार कर उसको हत्या कर सकते हैं। And then go around showing, see how powerful I am. और फिर आप घूमते फिरते हैं कि मैं कितना ताकतवर हूँ। Physical power. शारीरिक ताकत जो है। That is nothing compared to your spiritual power. और ये कुछ भी नहीं है अगर इसका तुलना किया जाए आत्मिक ताकत से। With your physical power. और शरीर इस शरीर के ताकत से। Can you overcome the power of alcoholism? क्या शराब के ताकत के ऊपर आप विजय पा सकते हैं? For a simple thing, for example. और उदाहरण के लिए एक साधारण सा चीज। Some of you use तंबाकू. और आप में से कुछ लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। Or smoking. या धूम्रपान करते हैं। It's a small thing. छोटी सी बात है। And yet. लेकिन फिर भी। Can you overcome that? क्या उसके ऊपर आप विजय पा सकते हैं? You try it. आप कोशिश करते हैं। You will never be able to overcome. आप नहीं कर सकते हैं। Then what is the use of physical strength? तो फिर ये शरीर के ताकत का क्या फायदा? But you know the strength that the Bible talks about. लेकिन जो ताकत के विषय में ये बाइबल बताती है। That will give you power over yourself. ये ताकत जो है आपको आपके स्वयं के ऊपर भी विजय दिलाएगा। The greatest thing is, सबसे बड़ी बात यही है। If you can control yourself, you have the power. अगर आप अपने आप को नियंत्रण में ला सकते हैं तो फिर आपके पास वो If ताकत you cannot है। conquer yourself, अगर आप अपने स्वयं को नियंत्रण में नहीं ला सकते हैं you are not strong. तो फिर आप ताकतवर नहीं हैं। This power that the Bible talks about, ये ताकत जो बाइबल बताती है Acts chapter 1 verse 8. प्रेरितों के काम पहला उसका आठवां पद। Somebody you found. जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा
पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आएगा तुम सामर्थ पाओगे हाँ पूरा दुनिया में आप यीशु मसीह के लिए गवाही बन जाएंगे। That is the power. यही वो ताकत है। The power that enables you to conquer yourself. एक ऐसा ताकत जो आप अपने स्वयं के ऊपर आप विजय पा सकते हैं। You are tempted to do some wrong thing. और आपको आप परीक्षा में पड़ जाते हैं कुछ गलत काम करने के लिए। And you are not able to overcome it. और आप उसके ऊपर विजय नहीं पा रहे हैं। Then you get into trouble. तब फिर आप परेशानी में पड़ जाते हैं। What is the use of physical strength? तो फिर शरीर के ताकत का क्या फायदा? When a man is able to conquer himself. जब एक मनुष्य जो है अपने स्वयं के ऊपर विजय पा सकता है। He really got the power. तब वो वास्तव में ताकतवर है। And that is the power that the Holy Spirit gives you. और यही वो सामर्थ है जो पवित्र आत्मा देता है। So where do I get my power? So, मुझे मेरा सामर्थ कहां से मिलता you है? Look at me. आप मुझे देखें। Some of you can give me one, what do you call this? घूसा। Punch, one punch. आप में से कुछ लोग मुझे एक घूसा मार दे। And I will go 10 times. और मैं 10 बार लुढ़कते हुए मैं दूर गिरूंगा। But that cannot destroy the spirit within me. लेकिन उस घूसे से मेरे अंदर जो आत्मा का ताकत है उसको नाश हानि नहीं पहुंचा सकता है। You shall receive power. तुम सामर्थ पाओगे। Power to overcome devil. शैतान के ऊपर विजय पाने के लिए। Demons. दुष्ट आत्माओं के ऊपर। Temptations. परीक्षाओं के ऊपर। Sin. पाप के ऊपर। Bad habits. बुरे आदतों के ऊपर। The habits that you think you cannot stop. और जो आदत आप सोचते हैं कि आप रोक नहीं सकते हैं। You will be able to stop everything in a moment. एक ही क्षण में आप सब कुछ रोक पाएंगे। When you have the Holy Spirit's power. जब आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ है। Power. So, सबसे पहली आवश्यक जो है वो सामर्थ है। Not physical power. शरीर का ताकत नहीं। Hallelujah. Hallelujah. Through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा। You get the power. आपको वो सामर्थ मिलता है। Number two. दूसरी बात। The life also requires nourishment. जीवन को पोषण की आवश्यकता है। Now, where do you get this nourishment? ये पोषण कहाँ से मिलती है? There are two sources. दो स्रोत हैं। Number one. पहला स्रोत मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4 मत्ती उसका चौथा अध्याय 4 पद यीशु ने उत्तर दिया मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से आते हैं आप उसे भी उसको चाहिए आप रियल जीवन के लिए इन ऑर्डर टू रियली लिव एंड बी विक्टोरियस और वास्तव में जीवित रहने के लिए और विजय पाने के लिए यू नीड द पावर दैट यू रिसीव बाय रीडिंग मेडिटेटिंग एंड ओबेइंग दिस वर्ड दैट गॉड हैज गिवन अस आपको उस सामर्थ्य की आवश्यक है जो इस पवित्र वचन से पढ़ने से उसके ऊपर मनन करने से अध्ययन करने से आप प्राप्त करते हैं। In order to really live, और वास्तव में जीने के लिए, a victorious life, एक विजय जीवन जीने के लिए, you need the word of God. आपको परमेश्वर की वचन की आवश्यकता है। Read it, इसको पढ़ें, meditate on it, इस पर मनन करें, obey it, इसके आज्ञाओं को माने, hallelujah, hallelujah, it gives you the nourishment. इससे आपको वो पोषण मिलता है। This is the first source of your nourishment. ये पहला स्रोत है आपके पोषण का। There is a second nourishment, source of nourishment. और एक दूसरा स्रोत है। John's Gospel chapter 4. यूहन्ना उसका चौथा अध्याय। Verses 32, 33 and 34. 32, 33 और 34 पद। Jesus said. यीशु ने कहा। ओके मेरा भोजन यह है कि
मुझे भेजने वाला की इच्छा पूरा करें. That is my food. और यही मेरा भोजन है. The real word used there in Greek is means my nourishment is. और जो यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उसका अर्थ यही है कि मेरा पोषण यही है. To do the will of God who sent me. कि जिस परमेश्वर ने मुझे भेजा है उसके इच्छा को पूरा करने के लिए. When you do the will of God. जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं. That is another source of having the power of God. ये दूसरा स्रोत है परमेश्वर के सामर्थ को पाने के लिए. Do something for God. परमेश्वर के लिए कुछ काम करें. This word reveals what God wants you to do. ये वचन दिखाता है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप करें. Many people don't know. बहुत लोग नहीं जानते. They say, what is God's will for me? वे कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे लिए. They are running all over the place. वे हर जगह दौड़ते घूमते फिरते हैं. Hunting for a prophet. और किसी नबी को ढूंढते हैं. Tell me God's will. कि आप बताएं परमेश्वर की इच्छा क्या है. My brother, my sister, God's will is revealed in this book very plainly. मेरे भाई और बहनों परमेश्वर की इच्छा बहुत स्पष्ट रीति से ये इसमें प्रकट है. To do God's will is my nourishment. कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए मेरा पोषण है. It is not merely praying. ये सिर्फ प्रार्थना करना नहीं है. But it is doing God's will. लेकिन परमेश्वर की इच्छा को करना है. It is not by taking plenty of food like chapati, roti, dal and all kinds of food. और ये सिर्फ आहार खाने से नहीं होता है. That will make your body go like this. उससे आपका शरीर जो है ऐसे फूलेगा. Like what? Like balloon. बलून के समान. बलून बिकम बिकन देन इज फट एंड गॉन. फूल के फट जाता है. गॉड्स नो गॉड्स विल. परमेश्वर के इच्छा को जाने एंड डू और उसको करे. टेक गॉड्स वर्ड. परमेश्वर के वचन को ले एंड बिकम स्ट्रॉन्ग और ताकतवर बने. थर्डली तीसरी बात. लाइफ रिक्वायर्स एंजॉयमेंट. और जीवन में आनंद की आवश्यकता है. रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 11. रोमियो उसका पांचवा अध्याय 11 पद. एंजॉयमेंट आनंद और खुशी. लाइफ विदाउट एंजॉयमेंट इज सो टायर्सम बोरिंग. यू गेट टायर्ड ऑफ लिविंग एंड देन यू गेट सो बोरिंग. और ऐसा जीवन जिसमें कोई खुशी नहीं है कोई आनंद नहीं है तो ये जीवन जो है बड़ा बोरिंग हो जाता है. But when can you enjoy real life? लेकिन आप कब जीवन का आनंद उठा सकते हैं? Romans chapter 5 verse 11. रोमियोस पांचवा अध्याय 11 पद. यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलन हो गया. किसे? परमेश्वर से. इसमें मैं आनंद रहे. दैट इज एंजॉयमेंट. आनंद. एंजॉयमेंट कब होता है? जब आपके दिल में बहुत आनंद है. वह नाचे हैं गीत गाते हैं और क्या क्या हम बनाते हैं. दैट इज रियल एंजॉयमेंट. और यही सच्चा आनंद है. व्हेन यू आर फुल ऑफ joy and peace in your heart. जब हमारे हृदय में खुशी भरा हुआ है शांति भरा हुआ है. When? कब? When you are reconciled to God against whom you have sinned. जब हम परमेश्वर से हमारा मेल हो जाता है जिसके प्रति हमने पाप किया था. By sin we are far away from him. पाप के द्वारा हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं. But then through Jesus. लेकिन यीशु मसीह के द्वारा. That is what the death of Christ meant for. और यही काम यीशु मसीह के मृत्यु ने किया. You know, when he died on the cross, जब यीशु मसीह उस क्रूस पर मरे. What was he doing? यीशु क्या कर रहे थे? He was reconciling the world to God. यीशु मसीह इस संसार का मेल परमेश्वर पिता के संग कर रहे थे. On the cross, उस क्रूस के ऊपर. He took the hand of God. यीशु मसीह ने परमेश्वर के हाथ को लिया. Then he took the hand of mankind. और दूसरी तरफ मनुष्य के हाथ को लिया. And brought these two hands together. और दोनों हाथों को साथ लाए. And on the cross. और उस क्रूस के ऊपर. There was a reconciliation between God and humanity. वहां पर एक मेल मिलन हुआ परमेश्वर और मानव जाति के बीच में. But those who accept and receive this. और वे लोग जो इसको ग्रहण करते हैं. They will enjoy the real enjoyment. वे लोग उस सच्ची आनंद का
खुश और वो खुशी का अनुभव करेंगे. Lastly, और अंतिम बात, life requires expectations with hope. और जीवन जो है ये चाहता है कि एक आशा हो. I want all of you to stand for this. आइए हम सब खड़े हो जाएं. First, Second Peter chapter 3 verses 11 to 13. दूसरा पत्रस, तीसरा अध्याय. And I want all of you to listen very carefully. Follow in your own Bible. Second Peter chapter 3 verses 11 to 13. दूसरा पत्रस, तीसरा अध्याय, 11 से 13 पद. And I want everybody to listen to this last verse. So very, life requires expectations with hope. और इसको बहुत ध्यान से सुने. If you can read it, you read it. Read it. Everybody listen very carefully, please. जबकि ये वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत से तृप्त होकर गल जाएंगे, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आशा रखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी. आमेन. हालेलुया. This is our hope and this is our expectation. यही हमारी आशा है और इसी बात के लिए हम चाहत रखते हैं. What is it? वो क्या है? The present earth and all its splendor and all its glories, everything shall be destroyed. ये वर्तमान पृथ्वी जो है और जितना भी इसका ऐश्वर्य है वो सब नाश हो जाएगा. There is going to be a cleansing process. एक शुद्धिकरण होगा. The whole earth will be taken through a fiery cleansing. और पूरा पृथ्वी जो है इसको आग से निकाला जाएगा शुद्ध करने के लिए. The earth is God's creation. पृथ्वी जो है वो परमेश्वर का रचना है. He created the earth for our use. परमेश्वर ने इस पृथ्वी को रचा हमारे लिए, हमें इस्तेमाल करने के लिए. But by our sinfulness and by our selfishness. लेकिन हमारे पाप के कारण, हमारे स्वार्थपन के कारण, we are destroying this earth. हम इस पृथ्वी को नाश कर the रहे earth हैं. Is full of curses today. और आज जो है इस पृथ्वी के ऊपर बहुत श्राप है. And these curses are causing the destruction and deterioration of the earth. और ये श्राप जो है इस पृथ्वी को धीरे धीरे नाश कर रहा है, खत्म But कर God रहा है. God is not going to leave this earth in that condition. लेकिन परमेश्वर जो है इस पृथ्वी को ऐसे स्थिति में नहीं छोड़ेगा. One of these days, आने वाले एक दिन में He is going to return. परमेश्वर यीशु मसीह बहुत जल्द लौटने वाले हैं. First to remove his followers from this culture. और सबसे पहले यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने अनुयायी को इस संसार से हटा देगा. The Bible declares it. बाइबल इस बात को बताती है. Jesus own promise. यीशु मसीह ने स्वयं प्रतिज्ञा किया. I am now going back to heaven. मैं वापस स्वर्ग जा रहा हूँ. And I am going to prepare a place for you. और मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए एक स्थान को तैयार करने के लिए. And once I prepare it. और एक बार वो स्थान तैयार हो जाएगा, come and take you. मैं वापस आऊंगा और तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा. Take whom? किसको ले जाएगा? Those who have responded to this invitation of God to come and accept and acknowledge the way He prepared for your salvation. और वे लोग जो इस बुलाहट का उत्तर देते हैं, जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Why Jesus? Why Jesus? क्यों यीशु मसीह? Because he is the only one who came down from heaven, from eternity into this earth to die as a sacrifice for your sin and my sin. क्योंकि यीशु मसीह ही एक ऐसे व्यक्ति है जो परमेश्वर, जो स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आए और आपके और मेरे पाप के खातिर एक बलिदान बन गए और उस क्रूस पर मर गए. For God so loved the world, He sent His one Son and only Son, that those who believe Even him should not perish, but have everlasting life. क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसे प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए. He did not come to found a religion. यीशु मसीह एक किसी धर्म को स्थापित करने के लिए नहीं आए. He did not come for a group of people called Christians. और यीशु मसीह किसी समूह के लोग जो अपने आप को ईसाई
ईसाई कहते हैं उन लोग के लिए नहीं आए when he came and died, जब यीशु मसीह आए और मरे as a sacrifice एक बलिदान के रूप में there wasn't a single Christian एक भी ईसाई नहीं था but he died for the entire humanity लेकिन यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए अपने जान को दे दिया for the entire human race पूरे मानव जाति के लिए you are a member of that human race और आप उस मानव जाति के एक सदस्य हैं it is for you he came ये आपके लिए यीशु मसीह आए it is for you he died on the cross ये आपके लिए यीशु मसीह उस क्रूस पर मरे it is for you he rose again और ये आपके लिए यीशु मसीह मुर्दों में से फिर से जी उठे it is for you he went back to heaven और ये आपके लिए यीशु मसीह वापस स्वर्ग चले गए you, he is preparing a place. और ये आपके लिए यीशु मसीह एक स्थान को तैयार कर रहे हैं such people who followed him. और ऐसे लोगों के लिए जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं यीशु मसीह वापस आ रहे हैं और जब वो आएंगे he will remove his church from the यीशु मसीह अपने कलीसिया को इस पृथ्वी से हटा देगा and after that, और उसके बाद there is this cleansing. ये शुद्धिकरण होगा the whole earth, पूरा पृथ्वी जो है जितने भी राष्ट्र And people who refuse to acknowledge Jesus Christ. और जितने लोग जिन्होंने यीशु मसीह को इनकार किया. The whole earth is kept for the fire. पूरा पृथ्वी जो है उस आग के लिए रखा गया है. Through that fire. उस अग्नि से. The earth itself will be cleansed and be renewed and be made new. ये पृथ्वी जो है इसका शुद्धिकरण होगा. उसको नया बनाया जाएगा. That is the passage we read down. और यही भाग हमने पढ़ा है. What is our hope and expectation? हमारा आशा क्या है? हम किस बात की ओर हम देख रहे हैं hope and expectation is a new earth and a new heaven हमारा आशा यही है कि एक नया स्वर्ग एक नया पृथ्वी where there is no unrighteousness जहां कोई अधार्मिकता नहीं पाया जाएगा no presence of sin और कोई पाप नहीं पाया जाएगा no devil or demon कोई शैतान नहीं कोई दुष्ट आत्माएं नहीं no sickness or no pain कोई बीमारी नहीं कोई दर्द नहीं no sorrow and no famine कोई दुख नहीं कोई अकाल नहीं and no death कोई मृत्यु नहीं we live forever and ever Ever and ever with God Almighty, who loves you. हमेशा 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 के लिए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के संग रहेंगे जो आपके आपसे प्रेम करता है. This is God's plan for you. यही परमेश्वर का योजना है आपके लिए. It is not man's plan. ये मनुष्य का योजना नहीं है. It is God's own plan for you. ये परमेश्वर का योजना है आपके लिए. It is not religion. ये कोई धर्म नहीं है. It is finding God who loves us and heaven. Personal relationship ये परमेश्वर को पाना है जो हमसे प्रेम करता है और एक व्यक्तिगत रिश्ता को बनाना चाहता है And if man does not have this relationship, और अगर मनुष्य के पास ये रिश्ता नहीं है all we are witnessing today with all the corruptions and immoralities and injustice and unrighteousness all kinds of evil that we are witnessing today will exist and dominate us And destroy us. और जितने बात हम देखते हैं संसार में चाहे वो भ्रष्टाचार हो या बलात्कार हो या हत्या हो या जितने भी बुरी बातें हैं वो सब हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे But it is not God's will for you. लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा आपके लिए नहीं है Friends, मेरे मित्रों Hell is not prepared for you. नरक जो है आपके लिए नहीं बनाया Hell गया है is prepared for the devil and his demons. नरक जो है वो शैतान के लिए दुष्ट आत्मा के लिए बनाया गया है But लेकिन majority of humanity will enter in ज्यादातर मनुष्य जो है मानव जाति नरक जाएंगे That is their own choice. ये सिर्फ उनका स्वयं का इच्छा होगा It is not God's will. ये परमेश्वर का इच्छा नहीं होगा But you have a choice to लेकिन make. आपके पास एक चुनाव है आज करने to के लिए accept Jesus Christ who said I am the way the truth and the life कि आप यीशु मसीह को ग्रहण करें जिन्होंने कहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं He did not found a religion यीशु मसीह ने किसी धर्म का स्थापना नहीं किया He came to be your savior यीशु मसीह आपका उद्धारकर्ता बनने के लिए आया He did not ask us to go and make religious people यीशु मसीह ने हमें नहीं बोला कि जाकर लोगों का धर्म परिवर्तन His करो command to us is go and declare this good news यीशु मसीह ने ये बोला कि जाकर सुसमाचार सुनाओ नो फोर्स कोई दबाव नहीं नो कंपल्शन कोई जबरदस्ती नहीं But the truth. लेकिन सत्य यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल तुम सत्य जानोगे और सत्य जो है तुम्हें आजाद करेगा इफ यू चूज द ट्रूथ अगर आप सत्य को चुनेंगे यू शैल बी फ्री फ्रॉम द पावर ऑफ सिन एंड सैटन एंड यू विल बी अ न्यू क्रिएशन आप पाप से और शैतान के ताकत से आप मुक्त हो जाएंगे दैट्स व्हाई वी प्रे फॉर आवर नेशन और इसी कारण से हम अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं वी प्रे फॉर आवर प्रेसिडेंट आवर प्राइम मिनिस्टर एवरीबॉडी हम
अपने राष्ट्रपति के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं. We pray for those who are beating us and burning their churches. उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमें मारते हैं, कलीसियाओं को जलाते हैं. Because we have a hope. क्योंकि हमारी एक आशा है. It's a living hope. ये एक जीवित आशा है. Beyond this life. इस जीवन के परे. There is eternal life. एक अनंत काल का जीवन है. Hallelujah. Hallelujah. We live for eternity. हम अनंत काल के लिए जी रहे हैं. Not for this present world. इस वर्तमान संसार के लिए नहीं. Hallelujah. Hallelujah. And the Lord bless you. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे. And the Holy Spirit helps you to open your heart. और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे कि आप अपने हृदय को खोलें. I'm going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं. Those of you heard this message this morning. और आप में से जितने लोगों ने संदेश को सुना है. And you don't understand many things. और आप बहुत से बातों को आप समझ नहीं पाए हैं. But you know one thing. लेकिन एक बात आप जानते हैं. I am lost and dead in my sin and trespasses. कि मैं खोया हुआ हूं और मरा हुआ हूं अपने पापों में, अपने अपराधों में. But Jesus died for my sin. लेकिन यीशु मसीह मेरे पापों के खातिर मरा. I accept his sacrifice as a sacrifice for my sin. और मैं यीशु के बलिदान को ग्रहण करता हूं मेरे पापों के खातिर. Then he rose again from the dead. फिर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे. He is alive. आज वो जीवित है. He is alive to hear your prayer. आज वो जीवित है आपके प्रार्थनाओं को सुनने and के लिए. The moment you open your heart. और जिस समय आप अपने हृदय को खोलते हैं. Invite him into your life. आप अपने जीवन में निमंत्रण करें. Because you realize you need to change. क्योंकि आप एहसास करते हैं कि आपको बदलने की आवश्यकता है. The present life is a life of sin. ये वर्तमान जीवन जो है पाप का जीवन है. Don't live this life. ये जीवन को ना जिए. And if you are convinced. और अगर आप कायल होते हैं. That you need a change in your life. आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए. Invite this Jesus. आप इस यीशु मसीह को निमंत्रण करें आपके हृदय में. If you want to do that. अगर आप इस काम को करना चाहते हैं. If you want us to pray for you. अगर आप चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें. Just lift up your right hand. आप सिर्फ अपने दाहिने हाथ को उठाएं. We will pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे. And this is important, my friend. ये जरूरी है मेरे मित्रों. And the Lord bless you. I see your hand more than I see. God sees. परमेश्वर आपको आशीष दे. मैं आपके हाथों को देखता हूँ लेकिन मुझसे ज्यादा परमेश्वर आपके हाथों को देख रहे हैं. Friends, let us pray for all these people. They are beloved of the Lord. आइए विश्वासियों हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो परमेश्वर के लिए प्रिय हैं. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, every eye closed and every hand हर एक आंख बंद, हर एक हाथ ऊंचे उठाए हुए, and talk to God, परमेश्वर से बातें करें. My Lord and my God, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, I thank you for loving me so much. मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझसे इतना प्रेम किया है. That you send your son Jesus into this world. कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है. Who died for my sin. जो मेरे पापों के खातिर मरा. And by his blood. और यीशु मसीह के लहू के द्वारा. I am forgiven. I am cleansed. I am set free from the power of sin. मैं क्षमा किया गया हूँ. मुझे अलग किया गया है और पाप के ताकत से मुक्त किया गया. So Lord Jesus. So प्रभु यीशु. I invite you to come into my. मैं आपको निमंत्रण देता हूँ कि आप मेरे हृदय में आ जाएं. Blessed Holy Spirit, पवित्र आत्मा, I pray that you bless these people whose hands are up to. मेरी प्रार्थना यही है कि आप इन लोगों को आशीष दे जिनके हाथ उठे हुए हैं. Somehow, किसी तरह, let their inner eyes be open. होने पाए कि इनके अंदरूनी आँख खुलने पाए. Let their understanding be enlightened. उनका समझ जो है वो प्रकाशन होने पाए. To see the truth of your word. कि आपके वचन को के सत्य को देखने पाए. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से. I pray that every single person who raises his hand will find that eternal peace with you. मेरी प्रार्थना यही है कि हर एक व्यक्ति जिन्होंने अपने हाथ को उठाया है वो अंदर से शांति को महसूस करेंगे. Let them experience the joy of forgiveness. और क्षमा के आनंद को वो अनुभव करने पाए. Let them experience the joy of reconciliation with God. मेल मिलाप के अनुभव को वो अनुभव करने पाए. And a new life in Jesus. और एक नया जीवन प्रभु यीशु मसीह में. Change all of us. हर एक को बदल दे. In Jesus name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. Amen. Amen. Hallelujah.